तो मतलब इसकी खोजे गाय माता ने की है, और मंदिर में जो इसकी गाय के निशाने, पैरों के निशाने पीछे ना हाँ जी, हाँ पत्थर जी। पे जो गाय माता के जो है निशाने बनी हुए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। सुबह के 8 के करीब का टाइम हो चुका है और मैं अभी फिलहाल पौंडा साहिब में हूँ। आपको पता ही है, पिछली वीडियो में आपने देखा ही होगा, और मेरे साथ वो भाई लोग भी थे दो, जो यमुनानगर के ना, जो मेरे को घर पर मिलने आया था, तो वो फिलहाल निकल चुके हैं, क्योंकि सफर आज हमारा 110 किलोमीटर के करीब लाखा मंडल जगह है, जहां पर चार युगों के शिवलिंग है, काफी पुराने शिवलिंग है, वो आपको दिखाने हैं। तो वो फिलहाल पहले से ही निकल चुके हैं, क्योंकि वो दो बंदे हैं और 110 सीसी बाइक है। तो मैंने सोचा जब तक आप आराम आराम से चलोगे, तब तक मैं रेडी होके और आ जाऊंगा। और दूसरा, मैंने वीडियो एडिट करनी थी, रात कर नहीं सका, सो गया, नींद आ गई थी, तो वीडियो एडिट कर लिया है। इस चक्कर में अब फ्री हो चुका, नहा धो के अभी चलते हैं, फिलहाल सामान वगैरह जमा कराते हैं गुरुद्वारा साहिब में, क्योंकि दोबारा मेरे को यहीं फिर गुरुद्वारा साहिब आना है और उनको वापस घर जाना है। उनका सफर 200 किलोमीटर के करीब हो जाना है, 200 नहीं 300 जाना, 100 जाना, 100 पौंडा साहिब आना और 100 उनका घर वापस जाना। तो इसलिए उनको थोड़ा जल्दी है, मेरे को तो यहीं आना है। तो बाकी का नज़ारा मैं आपको जो पौंडा साहिब गुरुद्वारे का, वो कल वाली वीडियो में दिखाऊंगा सुबह का। आज फिलहाल दिखाते हैं आपको वो शिवलिंग, और जल्दी जल्दी चलते हैं। और 30 किलोमीटर आगे निकल चुके हैं और मेरी वेट कर रहे हैं, अभी खाना वगैरह खाना है एक साथ। तो ठीक है, चलते हैं और चाबी वगैरह दे के गुरुद्वारा में, जहाँ पर ये रिसेप्शन होता है, और मिलते हैं फिर आगे जाकर। अभी फिलहाल सीधा वहीं मिलेंगे जहाँ भाई लोग हैं। और ये रूम था जी यहाँ के गुरुद्वारे साहिब का, काफी साफ सुथरा रूम था, और देखिए यहाँ रहने की व्यवस्था अच्छी थी, चार बेड लगे हुए हैं, भी चार बंदे आराम से रह सकते हैं। तो ठीक है, रूम भी मैंने सोचा दिखा देते, वाईफाई भी है, सब कुछ है, और इसका रेंट था जी लगभग 1000 रुपये तीन बंदों का। तो यहाँ से देहरादून 47 किलोमीटर, हरिद्वार 98 किलोमीटर, और विकास नगर से 17 किलोमीटर। मैंने फिलहाल विकास नगर पहुँचना, सबसे पहले वहाँ से कोई राइट टर्न है, वो बता रहे थे भैया भी उधर से राइट टर्न ले लेना, आगे हम मिल जाएंगे। तो फिलहाल चलते हैं, देखते हैं कहाँ से मिलते हैं वो। जूडो 21 किलोमीटर रह गया, मैं विकास नगर क्रॉस करके आ चुका हूँ, और जूडो के आसपास ही बैठे हैं भाई लोग, वो दोनों यार, वो बोरे जूडो आ जाओ वहाँ पर खाना वगैरह खाते हैं, वहाँ कोई बैरा आ जाए वहीं पर रुके हुए हैं। तो मैं फिलहाल एक व्यू दिखा देता हूँ आपको, बहुत ही खूबसूरत लगा तो मैं सोचा दिखा देता हूँ। ये है जी वो व्यू, ये देखिए हरी हरी गेहूँ और प्लेन खेत है यहाँ गेहूँ के, और वो सामने यमुना रिवर, और ये माउंटेन की रेंज शुरू हो चुकी है। ये वाले माउंटेन बोल रहा था मैं, जिन पर पेड़ पौधे ऊपर नहीं है, नीचे तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर नहीं है। और ये सुबह सुबह का नज़ारा है, जब सूर्य देवता की रोशनी पड़ती है ना गेहूं पर, जो ओस पड़ी होती है उसके ऊपर, तो मोतियों जैसी चमकती है, देख रहे हो ना आप सामने, और मज़ा आ रहा है भाई सुबह सुबह। बाकी हल्की हल्की ठंड जरूर लग रही है, बाकी जाकर वहाँ चाय पीते हैं, खाना खाते हैं। तो लो जी, ये जो कटा पत्थर वाला रास्ता है ना, ये जा रहा है जी लाखा मंडल की तरफ। वो बोल रहे थे ना विकास नगर से राइट साइड रास्ता कटेगा, बट विकास नगर से कम 10-11 किलोमीटर आगे आके राइट साइड की तरफ रास्ता कटा है। फिलहाल मैं आगे निकल गया था, वैसे ही अचानक मैंने रुके ना, मैंने सोचा मैप देख लेते हैं कहीं आगे ही ना निकल जाए, तो देखा तो रास्ता यही वाला था। ठीक है, फिलहाल चलते इसी रास्ते पर आगे, जुड्डो के आसपास देखते हैं, वो रुके हुए हैं यहाँ पे, आगे निकल गए हैं, चलते हैं। तो लो जी, 9:45 के करीब का टाइम हो चुका है, और भाई जगह क्या जगह है भाई, लोकेशन मस्त है, और साथ में भाई हवा भी बहुत ठंडी ठंडी चल रही है, पूरी सर्दी लग रही है तगड़े वाली। और आपको दिखाता हूँ ये नीचे ना, जो मैं यमुना नदी बोल रहा था ना, ये शायद यमुना नहीं है, कोई और ही नदी है, यहाँ नेटवर्क नहीं है, नहीं तो सर्च करके बता देता, और नेटवर्क ना होने की वजह से मैं उनको कॉल भी नहीं कर पा रहा कि कहाँ पर है। एक पीछे ना ये बैराज निकल रहा भी है, शायद वहाँ ना हो, पर वहाँ रास्ते में दिखाई नहीं दिए, तो मैंने सोचा आगे चले जाते हैं। भैया यमुना ब्रिज कितनी दूर है? 5 किलोमीटर। और ये यमुना ही है ना नदी?
ठीक है ठीक है। मैंने लाखा मंडल कितने किलोमीटर होगा? अच्छा अच्छा चलो ठीक है धन्यवाद। तो यहाँ भैया लोग ना ये कंस्ट्रक्शन का काम मतलब सड़क चोरी होगी। हाँ तो सड़क चोरी होने का काम चल रहा है। और भाई इधर ये यमुना रिवर है फोर लाइन। अच्छा वाह जी वाह। तो ठीक है अभी चलते हैं फिलहाल वो ऊपर वाला रास्ते वो ही रास्ता जाएगा ना ऊपर सीधे वाला कहाँ पे जाएगा? लाखा मंडल आगे से फटेगा दूसरा। अच्छा ये दूसरा रास्ता है ठीक है जी। तो वो अलग वाला रास्ता मैं सोच रहा हूँ उसी रास्ते पर जाएंगे। ये रोड ना छोड़ना के जुड़ो आएगा। हाँ हाँ 6 किलोमीटर वहाँ से फटेगा दूसरा। ठीक है ओके जी भैया धन्यवाद। ठीक है फिलहाल चलते हैं दूब वाली साइड चलते हैं वहाँ पर थोड़ा ठंड से राहत मिलेगी। और इधर राम राम जी। ठीक है मैं तो हरियाणा से आया जी। हाँ जी हाँ जी चलते हैं फिलहाल जाम लग जाएगा। तो अभी ना यमुना के ऊपर ना मेरे को पुराना ब्रिज दिखाई दिया। मैं सोचा भी इस पर जाकर देख कर आते हैं और काफी खूबसूरत है मतलब पुराना है ना तो देखने का मन हो रहा है। भैया जी से पूछा है भी नीचे जाने का रास्ता मतलब इस पे जा सकते हो? बोरे बाइक से तो नहीं जा सकते बट पैदल जा सकते हैं। बाकी पूछते हैं रास्ता किधर था अंकल जी? रास्ता किधर से है? आगे से? ठीक है ठीक है जी। टूटेगा तो नहीं? अच्छा मोटरसाइकिल जाती है। अच्छा अच्छा ठीक ठीक बट अब रास्ता नहीं मोटरसाइकिल जाने का ना। रास्ता किधर से मोटरसाइकिल का? अच्छा अच्छा ये तो मतलब जबरदस्ती उतारते हैं। तो फिलहाल चलते हैं और देख आपको भी दिखाते हैं ये ब्रिज। और भाई साहब पानी बहुत ही ज्यादा साफ है यमुना रिवर का। उधर से भी एक झरना इसमें मिल रहा आगे और वो भाई लोग ना काफी आगे निकल चुके हैं चलते चलते। और शायद उन्होंने चाय वगैरह तो चाय पानी तो पी लिया खाना भी नहीं खाया। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया वही गलती कर दी जो मैंने पहले करता हूँ भी सुबह खाना खा के नहीं चलने की। आज फिर वही है मेरे को उम्मीद है आज भी खाना शाम तक नहीं मिलेगा। तो फिलहाल ये है जी ब्रिज। ये तारे देखो कितनी मोटी मोटी लगा रखी इसके ऊपर। काफी पुराना है ये शायद कोई आता जाता ही नहीं मतलब ये लोकल ही जो इधर के गाँव वाले वही आते जाते होंगे। कोई टूरिस्ट वगैरह तो इधर कोई मेरे को दिखा ही नहीं कोई जाने वाला। बस मैं अकेले ही जा रहा हूँ अभी तो फिलहाल। ओ देखिए नीचे का नज़ारा यहाँ का और ये माउंटेन्स ही माउंटेन्स भाई बहुत मोटे मोटे तारे हैं ये देखो भाई कितनी मोटी है। तो ठीक है फिलहाल आगे क्या देखना है और वो भाई वेट भी कर रहे होंगे आगे धीरे धीरे जा रहे हैं ना तो उनके पास पहुँचना है। और सामने अपनी बाइक खड़ी कर रखी है वहाँ। तो ठीक है फिलहाल चलते हैं ठंड लग रही है बहुत ही ज्यादा। धूप वाली साइड ही नहीं आई है अब जाके आगे आइए वहाँ थोड़ी देर रुकेंगे कोई चाय का ढाबा मिले ना। ढाबे वगैरह भी कम है क्योंकि टूरिस्ट भी ना आते इधर कोई भी। तो जिधर टूरिस्ट ना आएंगे ढाबे वगैरह भी नहीं होंगे रेस्टोरेंट भी नहीं होंगे। तो फिलहाल चलते हैं कोई चाय की दुकान ढूंढते हैं पहले सबसे चाय पीते हैं जी। भेजो होगी। तो फिलहाल पहुंच चुके उस जगह पर जहां पर भैया जी बोल रहे थे ना हम जुड्डो में रुके हुए हैं। तो जुड्डो पहुंच चुके हैं बट वो तो आगे निकल चुके हैं और मेरा मन कर रहा है चाय पीने का ठंड बहुत ही ज्यादा है। तो चाय की दुकान मिल चुकी है फिलहाल चाय पीते हैं पहले। भैया जी एक चाय बना दो अच्छी सी और साथ में कुछ दे देना खाने का ठीक है। तो फिलहाल चाय के साथ कुछ ले लेते सुबह से खाना भी नहीं खाया पानी तक नहीं पिया भाई ऐसा मतलब वो बात सही है अंकुश भाई की कि अगर सुबह मिस कर दे तो सारा दिन भूखे रहना पड़ता है। ठीक है फिलहाल चाय मिल गई इतना ही बहुत है। तो ठंड में ना एक चीज और बहुत ज्यादा चलती है लगभग तो बहुत खाते हैं मैं तो खाता हूँ भाई इसको बोलते हैं गजक और ये वाली सभी खाते हैं फिलहाल हम तो गजक बोलते हैं बाकी कोई और क्या बोलते हैं पता नहीं है। तो ये खाते हैं जब तक चाय बनती है उसके बाद फिर चाय पी के और फिर निकल पड़ेंगे अपने रास्ते पर। यहाँ से 60-70 किलोमीटर बता रहा भैया बाकी फिलहाल मैप पर देखता हूँ कितने किलोमीटर लाखा मंडल और वो भाई मेरे को लगता है लाखा मंडल में जाके मिलेंगे फिलहाल। तो आ चुकी अपनी गर्मा गर्म चाय भैया साथ में बिस्कुट दे दो एक। ओहो तो ठंड में आपको पता ही है भाई चाय मिल जाए तो मजा ही अलग है और हम तो चलती चाय पर हैं।
दे दो भैया, बस ऐसे थैंक यू। फिलहाल चाय के साथ एक बिस्कुट खा लेते हैं और उसके बाद आगे कोई ढाबा देखेंगे। अगर वो बोलेंगे साथ में खाना खाना है तो साथ में आगे जाके मिल के खाएँ कहीं, नहीं तो मैं रास्ते में खाना खा लूँगा, भूखा नहीं रह जाएगा भाई। सफ़र भी अभी पहाड़ों में आपको पता ही है 60-70 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी टाइम लग जाता है, वापस भी आना और दूसरी बात है ठंड बहुत ज़्यादा है, मेन चक्कर यही है, और रास्ता भी टूटा फूटा आ रहा है कई बार तो यार। बाकी ठीक है, कोई ना, शाम तक तो वापस पोटा से पहुँच ही जाएंगे। तो ये जी यमुना बैराज जुड्डो, जुड्डो जगह का नाम है जहाँ पर ये बैराज बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है भाई साहब, देखना पानी हल्का हल्का छोड़ रखा है, मतलब ज़्यादा नहीं खोल रखा, सारे मतलब ये दरवाजे खोल नहीं रखे, तो एक एक दरवाज़ा खुला परले वाला, उसमें से पानी आ रहा है ना, हल्की हल्की फुहारे उड़ रही हैं, बहुत ही मस्त वाला नज़ारा आ रहा है भाई साहब। और ये इधर सारा यही एरिया है, इसी से रिलेटेड बैराज का ये मेंटेनेंस का जो काम करते हैं ना उनके इधर ये रूम वगैरह है। और ये सामने वो ब्रिज है जहाँ से निकल के आऊँ, और वो आगे वहाँ पर चाय पी थी, वो आगे उधर जाकर वहाँ पर चाय पी के अभी निकला हूँ। तो वहाँ पर बांध होने के कारण ना यहाँ पर पानी रुक के झील टाइप बना हुआ है, ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आ रहा है इसके पानी का, और पानी ना हल्का हल्का ऐसे फ्लोटिंग कर रहा है ना, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है भाई साहब। एक झरना उधर से भी आ रहा है, वो जूम करके दिखाता हूँ, वो भी इसमें मिल रहा है, वो देखो तो क्या गजब के नज़ारे हैं भाई साहब। इधर बहुत कम टूरिस्ट आ रहा, पता नहीं क्या चक्कर है, शायद क्या पता, समझ ही नहीं आ रही यार, इतनी अच्छी लोकेशन है फिर भी टूरिस्ट नहीं आ रहे, देखना क्या मस्त नज़ारे हैं इधर के यार। तो फिलहाल ना यहाँ थोड़ी सी धूप सीधी लग रही है ना, तो ठंड से थोड़ी राहत है, और मेरे को प्यास भी लगी है, तो मैं फिलहाल पानी पीने जा रहा हूँ, आज झरने का ही पानी पियेंगे, काफ़ी टाइम हो गया झरने का पानी पिए हुए, वहाँ पिया था कहाँ, हाँ सिक्किम में उधर पिया था बस, और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश उधर उस साइड पिया था, उसके बाद आज पी रहा हूँ। और ये देखिए ये ना बांस को ना हाफ काट के, बैम्बू को काट के ना बीच में से, ऐसे हर जगह मिलते हैं ना, जैसे उधर नॉर्थ ईस्ट में थे सेम वैसे बना रखा है। तो फिलहाल ओ भाई बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी है, ठंडा तो है बट पीना तो है, प्यास लगी हुई है। बहुत ही ठंडा पानी है भाई, ज़्यादा नहीं पिया जाएगा, ठीक है पानी पी लिया, कोल्ड भी हो गया थोड़ा थोड़ा। तो फिलहाल चलते हैं आगे, और ये भैया इधर ये पत्थर लेने आए हैं ट्रैक्टर में। इन पहाड़ों का ना कलर अलग ही हो चुका है, क्योंकि इन पर जो घास बनी हुई ना सारी सूख चुकी है, सूखने के बाद ब्राउन ब्राउन हो चुकी है, और शायद बर्फ भी होती होगी इन पर आने वाले टाइम में। चलो जी यहाँ से ना चक्राता का रास्ता इधर लेफ्ट साइड, और बड़कोट और यमुनोत्री का रास्ता सामने, यमुनोत्री रह गया यहाँ से 119 किलोमीटर, बड़कोट है जी 68 किलोमीटर, चक्राता 45 किलोमीटर लेफ्ट, और यहाँ जय महासु देवता, मतलब महासु देवता का मंदिर भी यहाँ पर शायद है। तो फिलहाल चलते हैं सीधा अपने रास्ते पर, और सीधा ही जाना अभी तो। चलो जी ये है जी यमुना ब्रिज, में जो बार बार बोल रहा था ना यमुना ब्रिज तो काफ़ी निकलते यमुना से, बट इस एग्जैक्ट लोकेशन का नाम है यमुना ब्रिज। और यहाँ पर रेस्टोरेंट में छोटे मोटे ढाबे बने हैं, तो यहाँ पर चाय पीते एक बार फिर से, ठंड लगने लग गई थी। अब मैं ना डाउन डाउन ही आ रहा था, यहाँ ब्रिज तक डाउन है, और ब्रिज से बाद फिर अब शुरू हो जाएगा ऊपर वाला एरिया, वो सामने रास्ता है ना वहीं से जाता है, बाकी देखते हैं कितने किलोमीटर और रह गया, फिर आपको बाद में बताते हैं। फिलहाल चाय पी के चलते हैं यहाँ से, रास्ता काफ़ी पड़ा है ना, सफ़र कवर धीरे धीरे ही हो रहा है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर आया था चाय पीने, बट मेरे को खाना मिल चुका है यहाँ पर, तो मैं सोच रहा हूँ खाना ही खा लेते हैं, क्योंकि वो तो लगभग वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ पर उन्होंने लखा मंडल पहुँचना था, वो पहुँच चुके, कॉल आ गई उनकी, मेरे को टाइम लगेगा अभी लगभग 1-2 घंटा लग जाना है, तो फिर लगभग 1 के करीब का टाइम हो जाना, तो खाने का टाइम ही रहेगा, और भूख भी काफ़ी ज़्यादा लगी। फिलहाल मैं खा लेता हूँ, और फिर शाम तक कोई टेंशन है जब तक पौंडा साहिब तक वापस नहीं आते, तो ठीक है मिलते हैं खाना खाने के बाद।
तो एक ना टी पॉइंट है रास्ते में, यहाँ से बड़कोट सीधा और कैंपटीफा राइट साइड, मसूरी भी राइट साइड। मसूरी 28 किलोमीटर आ गई बस भाई, मतलब मसूरी से इधर का रास्ता भी था, अगर इधर आना चाहता मैं उधर से मसूरी से उस दिन, है ना, हो सकता था। तो ठीक है, फिलहाल 28 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर भी नहीं था। और सीधा हमने जाना बड़कोट, बड़कोट 63 किलोमीटर, यमुनोत्री 114 किलोमीटर, और मैंने जाना है जी ये कितने किलोमीटर और जाना है, लगभग 40 के आसपास तो रह गया होगा अभी भी। टाइम हो चुका है 1:37 और मैं रह चुका 7-8 किलोमीटर पहले मंदिर से, जो मेन मंदिर है। पर एक चीज हो गया, अपने भाई लोग मंदिर से दर्शन करके वापस चल पड़े, क्योंकि इनको हमारे पौंडा सा से 100 किलोमीटर आगे जाना है, मेरे को तो 100 किलोमीटर पौंडा सा भी वापस जाना ना, तो इनको लगा कि कहीं लेट ना हो जाए, पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया में सफर ज्यादा निकलता नहीं है, तो इसलिए ये अभी मिल चुके मेरे को, रास्ते में मिलाते हैं दोबारा आपको। तो वाह जी वाह, बड़ी हिम्मत हमारी है, शंकर भगवान की जय। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस भाई? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी लोकेशन है, देखोगे जो महंत थे। हाँ हाँ, वहाँ पे पुराने पुजारी बैठे हैं 2008 से। अच्छा अच्छा, बातचीत हुई, बहुत कुछ उन्होंने सारा कुछ बताया है। चलो चलो, बताया कि सारा एरिया जो आसपास के जो मंदिर है वो सारे हमारे अंदर ही आते हैं। अच्छा अच्छा, केदारनाथ तक के मन पुजारी वहाँ पे बैठे हुए, मेन हेड यही है। वाह जी वाह, चलो बड़ी हिम्मत, वापस आ गए फिर जल्दी जल्दी है। ठीक है भाई, सफर लंबा है इनका, इनकी मजबूरी है क्योंकि पहाड़ी एरिया ना, सफर निकलते सफर निकल जाएगा वो। ठीक है, सफर निकलते ना, मैं सोचा 100 किलोमीटर जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे, पहाड़ी एरिया में पहाड़ी में ना, दूसरी गियर पे चढ़ रही है, सवेरे ठंड भी थी इस टाइम, तो ठीक है फिर भी मौसम। हाँ, अब जाते हो थोड़ा जल्दी पहुंच जाओगे, है ना, जल्दी हो जाएगा। तो ठीक है फिर, अभी जा रहे हो, बेस्ट ऑफ जर्नी। हाँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट जर्नी, फिर कभी फिर देखते हैं, सैटरडे संडे किसी या फिर किसी ट्रिप पे। हाँ हाँ, जरूर जरूर। तो फिलहाल कभी आगे ट्रिप साथ में करेंगे भाई लोगों के साथ, काफी मन है इनका भी साथ घूमने का, तो मिलेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद, अच्छा लगा मिलके। ठीक है, जितना साथ था आज, जितना साथ था, फिर भी रात इकट्ठे मिल गए और सुबह भी जितना साथ था अपने साथ रहे हैं। मेन चक्कर था वीडियो एडिट होती ना, तो फिर साथ के साथ आ जाते, वीडियो नहीं एडिट हो पाई, फिर सुबह वीडियो एडिट करके अपलोड करना होता ना, फिर इस चक्कर में मैं लेट हो गया, और वैसे भी मेरे को रुकना पड़ता है, बार बार शॉट लेने पड़ते हैं वीडियो बनाने के लिए। तो अगर एक साथ आता तो मैं भी शायद पहुंच ही जाता इनके पहुंचते पहुंचते, पर रुकना बहुत पड़ता है ना वीडियो, कई बार अच्छे अच्छे शॉट आते दिखाने तो पड़ती हैं। तो ठीक है, फिलहाल भाई लोगों के साथ यही सफर था 2 दिन का, कल शाम मिले, और आज शाम तो नहीं, शाम से पहले बिछड़ चुके हैं। तो ठीक है, फिलहाल 7-8 किलोमीटर का सफर है, भाई लोग जा रहे अपने घर की तरफ वापस, और मैं चलता हूँ आगे की तरफ, मिलते हैं आपको मंदिर पर जाकर। ठीक है जी, बाय। तो फाइनली पहुंच चुके जी लाखा मंडल में, और यहाँ से ऊपर है जी वो मेन मंदिर, वो सामने दिखाई दे रहा है, और यहाँ से मेन गेट है इधर वाला। तो बाइक को यहीं खड़े करके चलते हैं, पैदल पैदल जाना पड़ेगा मंदिर तक, और दिखाते हैं आपको आगे मंदिर और यहाँ के कुछ जो भी दिखाने लायक चीज़ें हैं। और मैंने एक गलती कर दी, मैंने बैग वगैरह लेके आना था, और यहाँ रहने की व्यवस्था थी, कहीं ना कहीं रह लेते और आसपास कुछ और भी एक्सप्लोर करते। बाकी फ़िलहाल कोई बात नहीं, अभी चलते हैं ऊपर मंदिर पर। तो ये है जी मेन गेट इस मंदिर का, जो बाहर से शुरुआत होती है, और ये यहाँ जो घंटी हर मंदिर के बाहर लगी होती है। तो फिलहाल अभी चलते हैं आगे, देखते हैं ये रास्ता कितना लंबा है। यहाँ पर सभी घरों की छतें ना, जो पत्थर होते हैं ना छोटे छोटे, उनसे बने हुए हैं, जैसे इधर भी पड़े हुए हैं सारे देखो पत्थर की छतें हैं, शायद बर्फ वगैरह होती होगी इधर। ये देखिए काफी पुराना घर भाई लकड़ी का। तो लो जी पहुंच चुकी हैं जी मंदिर के मेन द्वार पर, अंदर ऊपर घंटियां घंटे देख सकते।
क्या खूबसूरत नज़ारा है, पुराने पुराने लकड़ी के स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, और ये है जी मेन मंदिर, और वो सामने शिवलिंग है। सारे सांस चढ़ गया। तो पहले सबसे पहले जूते उतारते हैं, यहाँ पर पहले भगवान जी के दर्शन करते हैं, फिर शिवलिंग वगैरह करते हैं। इधर सारे शिवलिंग ही है, शिवलिंग। तो बाबा जी इधर से आए मत्था लेकर ऊपर से? ठीक है जी, ठीक है। तो फिलहाल इधर से रास्ता है मंदिर जी के। प्रणाम बाबा जी। जो ये दान पत्थर में डाल देते हैं, तो ये दान पत्थर में डाल दिया। और ये देखिए भाई साहब कितना पुराना है जी, ये देखिए। और ये पीतल का बना हुआ है शायद ये सारा। ठीक है, अभी अंदर चलते हैं, भगवान जी को प्रणाम करते हैं। और ये इधर ये ना काफी पुराना बना हुआ है, ये देखिए कितना पुराना बाबा जी, 5000 साल पुराना ये सारे शिवलिंग। वाजी 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 भगवान जी। तो बाबा जी कुछ बताओगे मंदिर के बारे में, कैसा कब क्या है ये मंदिर? जो है जी पांडवों ने बनाई है ना, पांडवों ने। हाँ जी, ज्ञान वास में आए थे तो इन्हीं गुफाओं में, मतलब उन्होंने अपना समय बिताया। 1200 जो परली तरफ गुफाएं दिख रही हो, हाँ जी हाँ जी, इनमें जो है उन्होंने 1200 साल तक जो है अपना समय बिताया। अच्छा जी, यहाँ पांडवों ने जो 100 लाख शिवलिंग की स्थापना की है। कितने? 125 लाख। 125 लाख। अच्छा, यहीं पर है वो? नंबर निकलते रहते हैं खेतों में ना। ठीक ठीक। और अभी खुदाई भी निकल रहे हैं। अच्छा, चाप निकल रहे हैं जो? चार युग के शिवलिंग है जी, सतयुग का है, द्वापर युग का है, तीर्थ युग का है, अलग अलग युग के शिवलिंग मिलेंगे। अच्छा अच्छा, वो किधर है? ये पास में ही जो? हाँ इधर ही है ना। हाँ जी हाँ जी, अलग अलग युग के शिवलिंग। ठीक है जी। और ये मंदिर तो मंदिर है जी, इसकी खोज है गाय माता ने की है। गाय माता ने जी? यहाँ गाय आती थी नदी पार से। हाँ जी हाँ जी, पहले जंगल रावगंज ना पहले। हाँ जी हाँ जी। तो मतलब यहाँ आके जो है इसके ऊपर दूध की धारा चढ़ा के। अच्छा जी, शिव शिवलिंग के ऊपर। ठीक है, वापस चली जाती थी। ठीक है जी। तो मतलब इसकी खोज है गाय माता ने की है, और मंदिर में जो इसकी गाय के निशाने, पैरों के निशाने पीछे ना। हाँ जी सर, जो गाय माता के जो है निशाने बनी हुई, बने अभी भी बने हुए जी, आप देखना अभी। ठीक है जी, ठीक ठीक। महाभारत काल में जो है उसी समय का है ये, महाभारत काल में दिखाते हैं इसको। ठीक है जी, ठीक। ओके जी बाबा जी, धन्यवाद। पार्वती माता के पैर के निशाने। अच्छा ये जी, ये छोटे छोटे जी, ये जी, वाह ये देखो जी, माता पार्वती के पैरों के निशान जी। ओहो कमाल लगे, लो पत्थर पे कैसे बन गए परिवार है ये। हाँ जी, गंगा यमुना जी शिव परिवार इसमें ना। अच्छा, शिव परिवार है सारा जी, अष्टग्रह है, नवग्रह। अच्छा जी, तो ये आप देख सकते हो ये शिव परिवार है जितना भी है। और बाकी ये जो सामने है जी, सूर्य नारायण की है। ठीक है जी, सूर्य की है। ठीक ठीक जी, ओके काल का है। ठीक है ठीक, ओके जी भाई धन्यवाद। चलो तो ठीक है, फिलहाल चलते हैं अभी यहाँ से। ओह सर पे लग गया। तो अभी दिखाते हैं, इधर शिवलिंग भी है काफी, मतलब यहाँ बोल रहे ना कि हर जगह शिवलिंग निकलते रहते हैं। और ऊपर ये लकड़ी का बना हुआ, ऊपर देख सकते हो आप सारा स्ट्रक्चर जितना भी है, नीचे सारा पत्थर है। तो फिलहाल चलते हैं। वो जी इधर ये काफी सारे शिवलिंग है, ये सारे शिवलिंग ही शिवलिंग है। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं, कुछ शिवलिंग है, कुछ पत्थर पर कलाकारी करके मूर्तियां वगैरह बना रखी है ना, वो है। मतलब हर जगह शिवलिंग ही शिवलिंग दिखाई देंगे। ये ऊपर चढ़ सकते हैं शायद, नहीं एक सामने शिवलिंग है बड़ा, बाकी मैं नहीं चढ़ूंगा, श्रद्धा होनी चाहिए। और ऊपर शायद नहीं चढ़ना होता मेरे को लगता ही, यही चक्कर है। तो फिलहाल अभी बाकी देखते हैं, परली तरफ कुछ हो दिखाने का, इधर चलते हैं। और बाकी ठीक है,
शायद बर्फ पड़ती होगी तभी ऐसे घर है इधर के। इधर तो कुछ भी नहीं है बस। तो फिलहाल ये है जी लाखा मंडल विलेज का शिव मंदिर। तो अभी ना मैं उधर गुफाओं के पास जाने की सोच रहा हूँ, बट ये सोच रहा हूँ कि लेट हो जाऊँगा क्योंकि रास्ता काफ़ी लंबा है, 100 किलोमीटर पहाड़ी में। हिसाब लगा लो सुबह 8:30 के करीब चला हुआ, अभी 1:30 बजे के करीब यहाँ पहुँचा था, तो जाने में भी टाइम लगेगा, अभी 2:30 के करीब का टाइम हो चुका है। तो अगर यहाँ रहने की व्यवस्था होगी ना तो फिर तो मैं वो गुफाएँ वगैरह दिखाता हूँ, नहीं तो फिलहाल मेरे को वापस जाना पड़ेगा। तो ठीक है, जैसा भी होगा आपको बताते हैं नीचे जाकर। तो ये था जी मेन मंदिर इधर का,